हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइस, पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आ गया हूँ, प्रीएम्बल। आज हम इस वीडियो में प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे। प्रीएम्बल होता क्या है और इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम ईजी लैंग्वेज में कवर करेंगे विद ट्रिक्स। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है जो कि बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पास किया था इसको? इसकी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं आपको बता देता हूं। ये जनवरी 1947 को, आप सीधा 1947 भी याद रख सकते हैं। तो ये प्रीएम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस के ऊपर बना था, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये पास किसने करवाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जनवरी 22, 1947 को। प्रीएम्बल एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दो केसेस की। एक 1960 के अंदर बेरूबरी यूनियन केस हुआ था गाइज, जिसके तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या केस हुआ? बेरूबरी यूनियन केस। बेरूबरी यूनियन केस ये हुआ था 1960 के अंदर, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रीएम्बल जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक बहुत ही लेजेंडरी केस, केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है गाइज। केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 के अंदर। 1973 के अंदर ये जो केशव नंदा भारती केस था, इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब क्योंकि यह पार्ट है तो इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, और मजे की बात यह है कि प्रीएम्बल को एक बार अमेंड भी किया गया है। अभी हम आगे फर्दर वीडियो में जानेंगे कि प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन से वर्ड हैं और अमेंडमेंट के बाद इसमें क्या क्या ऐड हो गया। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइज, प्रीएम्बल में काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं और उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा उसको। तो गाइज, इसको याद करने के लिए क्या है, देखिए ये है इसकी ट्रिक, एस डी आर जूलीफ्रा, जू ली एल आई ई और फ्रा। मैं आपको यहां पर ट्रिक लिख देता हूं, एस डी आर जू ली फ्रा। ओके गाइज, तो अब एक एक करके देखते हैं हम एस से क्या बनता है। देखिए, एस से बनता है सोवरीन, एस ओ वी ई आर ई आई जी एन। इसकी स्पेलिंग थोड़ी ट्रिकी है तो आप इसको याद रखिएगा। डी से क्या बनता है गाइस? डेमोक्रेसी। आर से बनता है रिपब्लिक। एंड देन जे यू से तो आपको पता चल ही गया होगा, जे यू से बनेगा जस्टिस। देन एल आई से लिबर्टी। ई से बनेगा इक्वालिटी। अभी हम एक एक करके इन वर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। और एफ आर ए से तो आपको पता चल ही गया होगा, क्या बनेगा? फ्रेटर्निटी। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हम सोवरीन की। सोवरीन का मतलब क्या होता है कि जो भी देश सोवरीन होगा वो ना तो डोमिनियन होगा, नाइदर अ डोमिनियन नोर डिपेंडेंट। ना तो वो डोमिनियन स्टेट है और ना ही किसी के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई कंट्री सोवरीन है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है, जैसे कि इंडिया, यानी कि आज़ाद है
इंडिपेंडेंट, तो आप इसकी स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है। दूसरे वर्ड की बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है आप सभी को पता ही है, लोकतंत्र। इसमें यानी कि लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का सिंपली यही मीनिंग होता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब सिंपली ये होता है कि इंडिया जो है उसका जो हेड होगा यानी प्रेसिडेंट, वो कैसे होगा, इलेक्टेड होगा। जैसे कि आप इंग्लैंड में देखते हैं तो वहां पर आप रिपब्लिक नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, मोनार्की है, अभी भी रानी का शासन वहां चलता है, और ये क्या है, इलेक्टेड नहीं होती। रिपब्लिक का सिंपली मीनिंग ये होगा कि जो हेड होगा स्टेट का या कंट्री का वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा। जस्टिस, जस्टिस आप सभी को पता है क्या होता है, न्याय होता है। लिबर्टी यानी आज़ादी, आज़ादी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आज़ादी का मतलब ये है कि हर चीज़ में आपको आज़ादी मिलेगी, बोलने की आज़ादी होगी, इस देश में मूव करने की आज़ादी होगी, ठीक है, और अपने धर्म को चुनने की आज़ादी होगी, और वगैरह वगैरह। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब यही है कि आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, रिगार्डलेस इसके आपको पूरी इक्वलिटी यानी कि बराबरी मिलेगी। और गाइस लास्ट में है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का सिंपली मीनिंग होता है भाईचारा। तो ये गाइस ये वर्ड्स हैं प्रीएम्बल के अंदर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीएम्बल को एक बार अमेंड भी किया गया है, यानी कि बदला गया है इसको, और अमेंडमेंट के दौरान इसमें क्या क्या ऐड हमने किया उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एक बारी मैं आपको इसका एक क्विक रिवीजन करवा दूं। प्रीएम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में पास किया था, और प्रीएम्बल को हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में देख सकते हैं। बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाता, लेकिन केशवनंदा भारती केस 1973 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है। प्रीएम्बल के अंदर ये जो वर्ड्स है ओरिजिनली SDR जूलीफ्रा, तो S से बनता है सोवरिन, D से बनेगा डेमोक्रेसी, R से रिपब्लिक, JU से जस्टिस, LI से लिबर्टी, E से इक्वलिटी, एंड देन लास्ट में है फ्रा, फ्रा यानी फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। तो गाइज ये वर्ड्स थे ओरिजिनली जो प्रीएम्बल के अंदर थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसको एक बार अमेंड भी किया जा चुका है। तो अमेंडमेंट के दौरान इसमें क्या क्या ऐड किया गया उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ गाइज। तो गाइज जो अमेंडमेंट किया गया वो था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के तहत इसमें तीन वर्ड्स को जोड़ा गया। तीन वर्ड्स कौन से हैं गाइज, सोक सैक इंट, सोक सैक और इंट, आप इसको ऐसे ही याद रखना। ओरिजिनल वर्ड्स के लिए मैंने अभी आपको बताया ही था SDR जूलीफ्रा, जूलीफ्रा, और इसके लिए है आपकी ट्रिक सोक सैक इंट, जो अमेंडमेंट के दौरान जोड़े गए, सोक सैक इंट। तो सोक से क्या बनता है, सोशलिज्म, SEC सेक से बनता है सेक्युलरिज्म या सेक्युलर कह सकते हैं, और INT से बनता है इंटेग्रिटी। तो गाइज आई होप कि आपको इसकी ट्रिक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सोशलिज्म क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ सेक्युलर क्या होता है और इंटेग्रिटी क्या होता है। देखिए गाइज सोशलिज्म एक वो फॉर्म होती है जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पार्टली या होली गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे कि इंडिया के अंदर। सेक्युलर का मीनिंग आपको पता ही होगा, सेक्युलर एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाती। जैसे आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान सेक्युलर कंट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ही धर्म को मान्यता दी है जो कि है इस्लाम। और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन। आप अपनी मर्जी से आज़ाद हैं भारत में किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, और भारत जो है किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता
या यूं कह लीजिए कि प्रेफरेंस नहीं देता। भारत की नज़र में सारे धर्म बराबर हैं और सारे लोग जो भारत के अंदर रहते हैं वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। तो आई होप कि सेकुलर का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में बनता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता, यानी कि हमको एकता बनाए रखनी चाहिए। तो गाइज ये प्रीएम्बल के बारे में था। यहाँ पर आपका प्रीएम्बल सारा कवर हो जाता है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको कुछ वैल्यू मिली इस वीडियो से, कुछ नॉलेज मिली, तो कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। फिर आपसे नए वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।